हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एसओपी के बारे में। एसओपी होता क्या है? एसओपी होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और आप सभी को लगता होगा कि ये जनरली सबको पता नहीं होता है, क्योंकि आपके जो इमिग्रेंट कंसल्टेंट होते हैं वो ही पूरा बना देते हैं। और एसओपी बनाने के लिए थोड़ी टिप्स आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको खुद को भी अप्लाई करना हो तो एसओपी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, एसओपी होता है कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन टाइम पे ये एक लेटर होता है जिसको आप कॉलेज में एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना रहता है, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको बनाना होता है। और एसओपी ज्यादा से ज्यादा 1 पेज का और 500 वर्ड तक का बना सकते हो, बट आपको उसमें क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में बता दूं। तो सबसे पहले है कि एसओपी आपको कौन सी कॉलेज के लिए लिखना होता है, कि कौन सी कॉलेज में अप्लाई करना है उसके लिए चाहिए फर्स्ट पॉइंट। तो वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज जो भी है वो कॉलेज के क्राइटेरिया है, और कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों लेना है, ताकि वो कॉलेज आपका एसओपी एक्सेप्ट करे। आपका जब एसओपी पढ़े तो उनको समझ में आए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए उनके जो क्राइटेरिया है उसमें फिट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो एसओपी का मेन पर्पज यही होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब एसओपी हम लिखते हैं उसमें सबसे कॉमन चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ग्रामेटिकली मिस्टेक। हम लोग ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं जब एसओपी लिखते हैं तब, तो कॉलेज को वहीं से पता चल जाता है कि आपका इंग्लिश लेवल कितना होता है। दूसरा होता है कि आपको पूरे पॉइंट वाइज पैराग्राफ में लिखना रहेगा, ताकि क्या होता है कि जो पढ़ने वाला होता है, आजकल सभी के पास इतना टाइम नहीं होता कि पूरी एप्लीकेशन पढ़े, और जो भी 3-4 पेज की लिखेंगे तो वो तो सामने वाला, तो क्योंकि उनके पास हजारों एप्लीकेशन होती है कॉलेज में, बहुत कंट्री से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता ना कि सभी एप्लीकेशन पूरी पढ़े। तो जितनी छोटी डिटेल्स है और जितनी प्रिसाइसली आपने पॉइंट वाइज लिखा होगा तो पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली आपकी प्रोफाइल उनके लिए रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद आता है आपको अवॉइड डिग्रेशन फ्रॉम योर पर्पस, मतलब आपका जो भी पर्पस होता है ना उसके रिलेटेड ही आप लिखो। एज सच जो भी आपका जो लिखने का पूरा फ्लो है उसको डिस्ट्रैक्ट मत करो, ताकि क्या होता है कि कभी कभी आप लिखते क्या हो और लिख क्या देते हो, वो भी वो आपकी एडमिशन टाइम पे ये मैटर करता है। उसके बाद होता है अवॉइड मेंशनिंग मोर देन 2-3 प्रोजेक्ट। अगर आप स्टूडेंट हो, डायरेक्ट जा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा है वो मेंशन करने की जरूरत है, बट आपने सपोज कोई एक्स्ट्रा जॉब की है या कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या कोई करिकुलम एक्टिविटीज की है, तो आप उसमें 2 या 3 मेंशन करो, ताकि आपका जो रिसेंटली है और वो कॉलेज में जो एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हो उसको कितना रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने मैकडॉनल्ड्स में जॉब की है तो वो कॉलेज के एडमिशन के साथ कुछ मैटर नहीं करता, तो वो आप नहीं मेंशन कर सकते हो, बट आप जो भी कोर्सेज के लिए जाते हो उसके रिलेटेड आपने कुछ किया है तो वो आप मेंशन करोगे। जितना भी है वो शॉर्ट में मेंशन करोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत एड ऑन हो जाएगा। उसके बाद है आपने चाइल्डहुड जो भी एक्टिविटीज की है स्कूलिंग टाइम में वो आप लिखना अवॉइड करना, क्योंकि वो ये एसओपी के क्राइटेरिया से मैच नहीं होती, क्योंकि वो कोई पढ़ने वाला नहीं है, आप फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो चाइल्डहुड की कोई भी एक्सपीरियंस है कुछ लिखोगे तो वो उसके रिलेवेंट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आप वो कॉलेज की, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज आपने ली है, वो कॉलेज की करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है वो एक्टिविटी के हिसाब से आपकी जो करिकुलम एक्टिविटी दोनों मैच होती है तो कॉलेजेस आपकी एप्लीकेशन को प्रीफर सबसे पहले करेगी, बिकॉज ऑफ वो भी देखेंगे कि आपका जो इनपुट है उनकी कॉलेज में करिकुलम में कितना एड ऑन हो सकता है, तो वो आप एड करना जरूर, ताकि आपको कॉलेज को भी पता चले कि भाई नहीं ये रिलेवेंट प्रोफाइल है जो हमें अलग अलग मॉड्यूल्स में भी हेल्प कर सकती है।
फिर उसके बाद जितना आप लिखो वो प्रिसाइजली लिखो, वन बाय वन पॉइंट वाइज, और स्टार्टिंग से लेके उसको फ्लो में एक ही साथ प्रॉपर लिखो पैराग्राफ में। जैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हो जो भी पॉइंट होता है पॉइंट वाइज पूरा उसको डिस्क्राइब करो, और ट्राई करो कि 500 वर्ड ही, उससे ज्यादा थोड़ा बनता है तो ठीक है, बट इतना होता है और प्रॉपरली लिखते हो विथ प्रॉपर ग्रामर तो आपकी एप्लीकेशन मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट हो जाती है। सो ओवरऑल दी एसओपी का जो पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक फॉर्मेट भी मैं आपको शेयर करती हूँ, तो वो फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि कैसे सीक्वेंस में किस तरह से पूरा लिखना है एसओपी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा एसओपी के बारे में बता दिया। तो जब भी आप एप्लीकेशन करो, ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी डिस्प्ले किए हैं वो 5ों पॉइंट को ध्यान में रख के एसओपी बनाना, ताकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।